लोकसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा के लिए अब 24 घंटे का वक्त बचा है। राजधानी में माहौल सर्द है, लेकिन राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। मतदान से ठीक पहले दिल्ली के चुनाव में कानूनी एजेंसियों की एंट्री हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी शाहीन बाग इलाके में गोली चलाने वाले का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ था, जिसने राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ाया है। टैक्स निपटाने के मामले में जीएसटी इंस्पेक्टर गोपाल कृष्ण माधव को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। गोपाल कृष्ण दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी है। वह 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। एक ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के ओएसडी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद चुनावी राजनीति में उथल पुथल तेज हो गई है। गुरुवार देर रात को गिरफ्तारी के बाद गोपाल कृष्ण माधव को सीबीआई हेडक्वार्टर भी ले जाया गया और पूछताछ भी शुरू की गई। हालांकि अभी तक इस पूछताछ में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम जुड़ा हुआ नहीं आया है। अब मतदान से 24 घंटे पहले इस तरह का अचानक केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक्शन से पार्टी को भाजपा और केंद्र सरकार पर सवाल उठाने का एक और मौका दे दिया है। एसपीएन 9 न्यूज से पुष्पा की रिपोर्ट।